Hello everyone, welcome back to my channel. Those who are new to my channel, hi, this is Dikshita. So today we are going to discuss all about the foundation. The foundation jo hota hai, wo humare makeup ko ek perfect base dene mein bahut helpful hota hai. But jo sabse badi difficulty hum face karte hain, wo hai how to choose a foundation which will suit our skin the best. So jab hum market mein ek foundation khareedne jaate hain, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये चूज़ करना कि हम कौन सा फाउंडेशन खरीदें. सिंस इतने सारे फाउंडेशन हैं मार्केट में, डिफरेंट काइंड ऑफ फाउंडेशन हैं, देर विल बी डिफरेंट शेड्स. सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी स्किन पे बेस्ट सूट होने वाला फाउंडेशन कैसे चूज़ कर सकते हैं. सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो ऑल अबाउट द फाउंडेशन, कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. सो फर्स्ट थिंग जो क्लियर होनी चाहिए वो है कि वाई वी यूज़ अ फाउंडेशन. फाउंडेशन हम जो यूज़ करते हैं वो अपनी स्किन टोन को बदलने के लिए यूज़ नहीं करते हैं. गोरा दिखने के लिए हम फाउंडेशन यूज़ नहीं करते हैं. हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं टू इवन आउट आर स्किन. जो भी हमारे स्किन पे फ्लॉज होते हैं लाइक हाइपर पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, पिंपल के मार्क्स, एक्ने मार्क्स, उन सबको छुपाने के लिए हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ टाइप ऑफ फाउंडेशंस. देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फाउंडेशंस विच विल सूट डिफरेंट डिफरेंट स्किन टाइप्स. सो फर्स्ट वन इज़ अ लिक्विड फाउंडेशन. जो लिक्विड फाउंडेशन होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं बिकॉज दे आर वेरी ईजी टू यूज़ एंड ब्लेंड. जो लिक्विड फाउंडेशन हैं वो अगेन टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ ऑयल बेस्ड फाउंडेशन, सेकेंड वन इज़ वाटर बेस्ड और ऑयल फ्री फाउंडेशन. जो ऑयल बेस्ड फाउंडेशन होते हैं उनमें ऑयल होता है, इसलिए वो फाउंडेशन ड्राई स्किन वालों को सूट करते हैं. तो जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उन्हें ऑयल बेस्ड लिक्विड फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहिए. जो वाटर बेस्ड और ऑयल फ्री फाउंडेशन होते हैं वो ऑयली स्किन वालों को सूट करते हैं बिकॉज उसमें ऑयल नहीं होता है. लिक्विड फाउंडेशन लाइट टू फुल कवरेज प्रोवाइड करते हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ दैट फाउंडेशन. नेक्स्ट कैटेगरी इज क्रीम बेस्ड फाउंडेशन. जो क्रीम बेस्ड फाउंडेशन होते हैं उसमें ऑयल होता है ऑब्वियसली, सो वो ड्राई स्किन वालों के लिए होते हैं. पीपल विथ ऑयली स्किन शुड नॉट यूज़ क्रीम बेस्ड फाउंडेशन. ये जो फाउंडेशन हैं वो हाई कवरेज प्रोवाइड करते हैं. These foundations give your skin a dewy finish. एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज जो क्रीम फाउंडेशन के साथ होता है कि वो काफ़ी हैवी होते हैं आपके स्किन पे. जनरली जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो क्रीम फाउंडेशन यूज़ करते हैं सिंस इट प्रोवाइड्स हाई कवरेज. नेक्स्ट जो फाउंडेशन हैं वो हैं स्टिक फाउंडेशन. स्टिक फाउंडेशन मैक्सिमम कवरेज प्रोवाइड करते हैं आपकी स्किन को. ये थोड़े से थिक होते हैं कंसिस्टेंसी में. स्टिक फाउंडेशंस मोस्टली ऑयली स्किन वालों के लिए होते हैं. पीपल विथ ड्राई स्किन इफ दे यूज स्टिक फाउंडेशन इट विल मेक देयर स्किन लुक वेरी पैची. कुछ फाउंडेशंस स्टिक फाउंडेशंस ऑयली स्किन वालों के लिए भी होते हैं बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ द फाउंडेशन. स्टिक फाउंडेशंस हाई कवरेज प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज मूज और व्हिप्ड क्रीम फाउंडेशंस. इनकी व्हिप्ड क्रीम टाइप कंसिस्टेंसी होती है. मूज फाउंडेशंस को ब्लेंड करना काफ़ी इजी होता है. ये हमें लाइट टू हाई कवरेज प्रोवाइड करते हैं. ये फाउंडेशन एवरीडे यूज़ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं बिकॉज ये हमें स्किन लाइक फिनिश देते हैं. मूज फाउंडेशंस आर वेरी लाइट इन वेट. नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ पाउडर्ड फाउंडेशंस. पाउडर्ड फाउंडेशंस अगेन प्रोवाइड लो टू हैवी कवरेज. अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पाउडर फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन बिल्ड अप द कवरेज. People with oily skin can use powder foundation because it absorb all the oil on your skin and it gives your skin a very good shine. तो जब भी हम foundations खरीदने जाएँ we should be clear about our skin type कि हमारी skin oily है, dry है और combination है और normal skin. So now next is how to choose a shade for the foundation. So foundation का shade select करने के लिए we should know two things about our skin. First is undertone and second is overtone. So there can be three types of undertones. First is cool undertone, second is warm undertone and third is neutral undertone. अब आप कैसे पता लगाएंगे कि आपकी undertone क्या है? ये हमारे रिस्ट पे जो वेन्स होती हैं हमें उनका कलर चेक करना है नेचुरल लाइट. अगर हमारी वेन्स का कलर कुछ ग्रीनिश टाइप का है इट मीन्स हमारी वार्म अंडरटोन है और येलो अंडरटोन है. अगर वेन्स का कलर कुछ ब्लूइश है इट मीन्स हमारी कूल अंडरटोन है और पिंक अंडरटोन है. If we have both blue and green veins, it means हमारी neutral undertone है और beige undertone है. Another way you can find your undertone is just check
What kind of jewelry suits you best? अगर आपको silver jewelry ज़्यादा suit करती है, it means आपकी cool undertone है. अगर आपको golden jewelry ज़्यादा suit करती है, it means आपकी warm undertone है. और अगर आपको silver and golden both jewelry suit करती है, it means आपकी neutral undertone है, which is the best. So जिन लोगों की cool undertone होती है, उनको ऐसी foundations choose करने चाहिए जिसकी pink undertone हो. और जिन फाउंडेशंस के अंदर थोड़ा गोल्डन अंडरटोन हो वो उन्हें यूज़ नहीं करनी चाहिए. अगर कूल अंडरटोन वाले लोग गलत फाउंडेशंस अप्लाई करेंगे तो उनका फाउंडेशन कुछ ऑरेंज कलर का दिखेगा. जो वार्म अंडरटोन वाले लोग होते हैं उनको ऐसी फाउंडेशंस चूज़ करनी चाहिए जिनका अंडरटोन येलो या गोल्डन कलर में हो. उन्हें पिंक अंडरटोन वाले फाउंडेशंस यूज़ नहीं करनी चाहिए. अगर आप गलत फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपका फाउंडेशन कुछ पिंक और रेड कलर जैसा दिखेगा. जो न्यूट्रल अंडरटोन वाले लोग होते हैं उन्हें ऐसे फाउंडेशन यूज़ करने चाहिए जिनका अंडरटोन गोल्डन या बीच कलर का हो. अगर आप गलत फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो कुछ वाइट पिंक या एशी से कलर का दिखाई देगा. नेक्स्ट थिंग इज ओवरटोन. ओवरटोन पता करना इज वेरी इजी. पीपल विथ वेरी फेयर स्किन कलर और पोर्सिलिन काइंड ऑफ कलर कम्स अंडर फेयर ओवरटोन. नेक्स्ट इज लाइट स्किन. जो लोग थोड़े से पेल हैं या जिनकी स्किन पे बहुत कम कलर है और पीपल हु हैव वेरी लेस पिगमेंट ऑन देयर स्किन कम्स अंडर लाइट स्किन ओवरटोन. नेक्स्ट इज मीडियम. जनरली जो इंडियन स्किन है वो मीडियम ओवरटोन में आती है. नेक्स्ट इज टैन. जिन लोगों का स्किन कलर थोड़ा सा डार्कर साइड पे होता है और व्हीटिश कलर का होता है दोज पीपल कम्स अंडर टैन ओवरटोन. नेक्स्ट वन इज़ डार्क ब्राउन और ब्लैक. जिन लोगों का जो स्किन का कलर है वो रिलेटिवली ज़्यादा ब्लैक होता है वो लोग डार्क ओवरटोन में आते हैं. सो नेक्स्ट मैं आपको कुछ शेड बता रही हूँ ये मेबेलिन फिटमी फाउंडेशंस के बेस्ड ऑन डिफरेंट अंडरटोन्स एंड ओवरटोन्स. तो आप उन शेड्स को एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं जब आप कोई फाउंडेशंस खरीदने जा रहे हैं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस कूल अंडरटोन शेड्स. सो पीपल विथ वेरी फेयर स्किन कलर इट कैन बी नेचुरल आइवरी. फेयर स्किन वालों की इट कैन बी क्रीमी बीज और ट्रू बीज. फॉर मीडियम स्किन टोन पीपल दे कैन ट्राई ट्रू बीज और प्योर बीज. फॉर व्हीटिश स्किन कलर पीपल दे कैन ट्राई नेचुरल टैन. एंड फॉर पीपल विद डार्क स्किन टोन दे कैन ट्राई स्पाइसी ब्राउन. नाउ लेट्स डिस्कस सम शेड्स फॉर वार्म अंडरटोन पीपल. फॉर फेयर स्किन दे कैन गो विथ पोर्सिलिन. आई मीन फॉर वेरी फेयर स्किन दे कैन गो विथ पोर्सिलिन. For fair skin tone, they can go with classic ivory or warm nude. For medium skin people, they can go with natural beige, sun beige. For wheatish skin tone, they can go with soft tan, rich tan. For darker skin color people, they can go with toffee, cappuccino, coconut. Now let's see some shades for people with a neutral undertone. So for very fair, it can be ivory. For fair skin color people, it can be a nude beige or buff beige, maybe. For medium, it can be a natural buff. For wheatish skin tone, it can be natural tan. For darker side, it can be warm honey or coconut. So these shades are only for your reference. I can't guarantee that perfectly this shade will only work for your skin, because it depends on many other things also. So better you go to the store or a local shop and check which foundation works for you best. So now let's discuss ki hum check kaise karenge ki kaun sa foundation hamari skin pe best suit ho raha hai. So kya hota hai generally jab hum foundation khareedne ke liye kisi bhi local shop ya fir kisi store pe jaate hain to wo kya karte hain jo shade hai wo hame yahan apply karke dikhate hain. बट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू चूज योर फाउंडेशन. क्योंकि जो यहाँ का स्किन कलर है और जो हमारे फेस का स्किन कलर है वो काफ़ी डिफरेंट होता है. इट कैन बी लाइटर और डार्कर. तो हमें फाउंडेशन कैसे चेक करना है, हमें फाउंडेशन को हमारी की जॉ लाइन से नेक तक ले जाके चेक करना है. डोंट फर्गेट योर नेक. क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है वो हमारे फेस एज वेल एज हमारी नेक से मैच करना चाहिए. आफ्टर अप्लाइंग दैट फाउंडेशन हमें चेक करना है जिस भी फाउंडेशन का कलर हमारी स्किन के कलर से एकदम मैच हो रहा है हमें वो फाउंडेशन चूज़ करना है. प्लीज़ मेक श्योर जो फाउंडेशन का कलर है वो आपकी एग्जैक्ट स्किन का है. इट शुड नॉट बी लाइटर और डार्कर. जनरली स्टोर्स में प्रॉपर लाइट नहीं होती है, वाइट लाइट होती है. तो हमें क्या करना है, आफ्टर अप्लाइंग दैट फाउंडेशन हमें नेचुरल सनलाइट में जाना है. हमें चेक करना है वेदर इट इज़ मैचिंग विद आवर स्किन टोन और नॉट. सो टेक योर टाइम, ट्राई डिफरेंट शेड्स एंड फिर डिसाइड करें कि कौन सा फाउंडेशन आपके लिए बेस्ट है. क्योंकि जो फाउंडेशन है वो हमारे मेकअप का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. And the shade should be perfect for a flawless makeup. Now you have a perfect foundation shade for your skin.
बट अगर आप उसको सही से अप्लाई नहीं करेंगे तो एक परफेक्ट शेप भी आपकी स्किन पे अच्छा नहीं लगेगा। तो फाउंडेशन को प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है और प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। प्राइमर हमारी स्किन को एक इवन लुक दे देता है, जिसकी वजह से हम जो ऊपर से फाउंडेशन लगाएंगे वो काफ़ी स्मूथली अप्लाई हो जाता है। और मोस्टली क्या होता है, जो हमारा ये टी जोन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल होता है और बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं, तो प्राइमर उन ओपन पोर्स को क्लोज कर देता है और एक मैट फिनिश अचीव करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो फाउंडेशन लगाने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप प्राइमर ज़रूर लगाएं। नाउ टू अप्लाई अ फाउंडेशन यू शुड ऑलवेज यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा डाम करके थोड़ा सा गीला करके आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। जनरली जो मार्केट में ब्रशेस आते हैं फॉर फाउंडेशन वो थोड़े से फ्लैट टाइप के होते हैं, समथिंग लाइक दिस। हमें ऐसे फ्लैट फाउंडेशन ब्रशेस यूज़ नहीं करने हैं क्योंकि उसकी वजह से हम फाउंडेशन लगाएंगे तो वैसे ड्रैग हो जाएगा। हमें प्रोडक्ट को ड्रैग नहीं करना है, हमें ऐसे डाम करना है ताकि वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो ऑलवेज यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इन ब्यूटी ब्लेंडर्स में इन्वेस्ट करें। मार्केट में काफ़ी तरह के ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं एंड दे आर वेरी चीप ऑल्सो, सो प्लीज़ डू इन्वेस्ट इन दिस ब्यूटी ब्लेंडर्स। इट विल हेल्प योर मेकअप टू लुक वेरी फ्लॉलेस। सो एक परफेक्ट फाउंडेशन चूज़ करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट वी शुड नो आर स्किन टाइप, वेदर वी आर ऑयली, ड्राई, नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन। उससे हमें पता चलेगा हमें किस टाइप का फाउंडेशन यूज़ करना है, मतलब हमें लिक्विड यूज़ करना है, क्रीम यूज़ करना है, पाउडर यूज़ करना है, किस टाइप का फाउंडेशन यूज़ करना है। सेकेंड, हमें पता होना चाहिए कि हमारी अंडरटोन क्या है, इट मीन्स हम वार्म अंडरटोन है, कूल अंडरटोन है और न्यूट्रल अंडरटोन है। एंड थर्ड थिंग इज़ ओवरटोन। और अंडरटोन और ओवरटोन से हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा शेड फाउंडेशन का चूज़ करना है। फोर्थ, वी शुड ऑलवेज अप्लाई एंड चेक द फाउंडेशन इन नेचुरल लाइट टू सी वेदर इट इज़ सूटिंग आर स्किन और नॉट, एंड देन ओनली बाय दोज फाउंडेशंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको जो भी क्वेश्चंस है फाउंडेशन से रिलेटेड आपको उनके आंसर्स इस वीडियो में मिल पाए। स्टिल इफ़ यू वॉन्ट टू नो एनीथिंग एल्स अबाउट द फाउंडेशंस यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस, आई एल हैप्पी टू हेल्प यू। नेक्स्ट थिंग, प्लीज़ डोंट आस्क मी द एग्जैक्ट शेड बिकॉज आई कॉन्ट टेल यू द शेड। आपको खुद इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना शेड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑल्सो इग्नोर बाइंग फाउंडेशन ऑनलाइन बिकॉज ऑनलाइन हमें समझ में नहीं आ पाता है कि कौन सा शेड हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अनलेस यू अप्लाई अ फाउंडेशन यू वोंट बी एबल टू नो कि ये शेड आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। सो आई वुड सजेस्ट किसी लोकल शॉप या स्टोर में जाएं और उसके बाद चेक करें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कौन सा फाउंडेशन यूज़ करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल बटन नेक्स्ट टू सब्सक्राइब बटन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियोज। सो गाइज, आई एम डूइंग वन गिव अवे इन दिस वीडियो। सो इस गिव अवे में एंटर करने के लिए आपको कुछ सिंपल से रूल्स फॉलो करने होंगे, वो रूल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक दैट। So thank you so much for watching this video. I'll see you in my next one.